गूगल क्रोमकास्ट को टीवी से कैसे कनेक्ट करें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये क्रोमकास्ट मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से, इसको काफ़ी लगभग 8-9 साल हो गए हैं फ्लिपकार्ट से लिए हुए। 3,500 रुपये का पड़ा था एंड ये उन टीवीज़ के लिए काम आता है जिन पे डायरेक्ट जो एंड्रॉयड टीवी नहीं है, स्मार्ट टीवीज़ नहीं है। तो होता क्या है, ये अगर आप कनेक्ट कर दोगे फिर आप अपने फ़ोन से, आपने कास्ट का बटन देखा होगा जो ऑलमोस्ट सारे ऐप्स में आपको अवेलेबल हो जाता है, चाहे वो प्राइम वीडियो हो, नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, हॉटस्टार हो, जियो सिनेमा हो, एंड वो ऐप से आप कोई भी शो, कोई भी मूवी टेलीकास्ट कर सकते हो अपनी टीवी पे। इसके दो एंड्स होते हैं, एक होता है इसमें USB पोर्ट एज यू कैन सी यहाँ पे, एंड दूसरा एंड होता है उसका HDMI पोर्ट जो मैंने इसमें यहाँ पे लगा रखा है। उसके बाद मैंने अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। गूगल होम करके एक ऐप आता है, वो डाउनलोडेड है। मैंने एक नया डिवाइस यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एंड वो क्रोमकास्ट से यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये क्रोमकास्ट पुराना है एंड इसे काफ़ी बार मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। तो वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट करो डिवाइस को, बिकॉज होता क्या है, जब भी आप अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज करते हो तो यहाँ पे इशू आता है। तो हम इसे दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बटन होती है क्रोमकास्ट में, उसको हम होल्ड करके रखते हैं, उससे ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और इसकी जो लाइट है वो भी यहाँ पे चेंज होगी। एज यू कैन सी मैं इसको होल्ड करके रख रहा हूँ तो ये ऑरेंज करके यहाँ पे लाइट ब्लिंक हो रही है और उसकी स्पीड तेज़ होती जा रही है। वो लाइट अब यहाँ पे वाइट कलर की हो जाएगी एज यू कैन सी, एंड ये डिवाइस हमारे यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट हो रहा है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, रीस्टार्टिंग परफॉर्मिंग अ फैक्ट्री रीसेट एज यू कैन सी इट इज स्टार्टिंग अप। ओके, अब वो कह रहा है आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो रेडी हो गया है। अब हम वापस से एक बार ट्राई करते हैं कनेक्ट करने का। तो एट अ डिवाइस, गूगल नेस्ट और पार्टनर डिवाइस, इसमें आप देखेंगे तो बीच में आपको क्रोमकास्ट लिखा मिल जाएगा। इसमें लुकिंग फॉर डिवाइसेस, नाउ लेट्स वेट, क्रोमकास्ट मिल गया है एंड उसे हम सेटअप करते हैं। यस, दबाया हमने। करना क्या होगा हमें, बेसिकली क्रोमकास्ट को वाईफाई से कनेक्ट करना होगा फ़ोन के थ्रू, क्योंकि क्रोमकास्ट का कोई इंटरफेस नहीं है जहाँ पे हम उसे कनेक्ट कर सकें। सो दैट इज़ व्हाई वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ दिस ऐप, गूगल का ऑफिशियल ऐप है ये। एज यू कैन सी टीवी पे कोड आ गया है, फ़ोन पे कोड आ गया है, दोनों मैच हो रहे हैं। येस आई एम इन, नाम देना होगा आपका डिवाइस कहाँ पे है उसको बताने के लिए बेसिकली, तो बेडरूम में, एंड देन हमें वाईफाई कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने जैसे इस चीज़ को चेक रखा कि वाईफाई का पासवर्ड ऑटोमेटिकली आप डाल लो, तो वो यहाँ पे अभी आप आगे देखेंगे तो आपको दिक्कत देगा। कनेक्टिंग टू वाईफाई, एज यू कैन सी कनेक्टेड, उस वक्त एरर आ गया था। मैनुअली उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ा मैनुअली, तो वो फिर उसके बाद कनेक्ट हो गया। नाउ इट इज़ लिंकिंग योर क्रोमकास्ट, ऑलमोस्ट डन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। देन वी हैव वॉलपेपर्स हमारे आ गए हैं। हाँ, जब आप अपनी टीवी को ऑन करते हैं एंड वो क्रोमकास्ट को डिटेक्ट कर लेता है सिंस नाउ इट्स कनेक्टेड, तो वो बैकग्राउंड में अगर आप कुछ प्ले नहीं कर रहे हैं तो वो स्क्रीन पे वॉलपेपर्स वहाँ पे शफल करता रहता है। बेडरूम टीवी इज़ रेडी, इसको हम स्किप कर देंगे, वो बता रहा था कि इफ़ यू। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका और इंडिया के टेस्ट का। अगर मैं यहाँ पे ये कास्ट बटन इसको दबाता हूँ, उसमें वो मुझे ऑप्शन देता है और मुझे वो टीवी सेलेक्ट करनी होती है। बेसिकली अगर मल्टीपल टीवीज आपकी रेंज में हैं वाईफाई की तो वो उन्हें शो करेगा यहाँ पे एज यू कैन सी, एंड सिंस इट्स अ कॉपीराइटेड कंटेंट आई कैन नॉट शो इट हेयर इन दिस वीडियो। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ अ क्रोमकास्ट वर्क्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ देयर इज समथिंग दैट यू वुड लाइक टू नो, और कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर आपको पता ना हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्रोमकास्ट का। आज की डेट में तो इनफैक्ट एंड्रॉयड टीवीज़ काफ़ी चीप हो गई हैं, 10-15 हज़ार की काफ़ी अच्छी एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी आ जाती हैं जिनमें ये सब करने की नीड ही नहीं है। उनका एक सिंपल सा रिमोट रहता है, UI भी सिंपल सा रहता है, ऐप्स उसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड रहते हैं, आप प्ले स्टोर से अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट दिस इज़ फॉर टीवीज़ जो कि पुरानी हैं, जिनमें HDMI पोर्ट ज़रूर हैं बट वो स्मार्ट टीवीज़ नहीं हैं, तो उन्हें स्मार्ट टीवीज़ बनाने के लिए वी कैन डू दिस। Thank you for watching. Do make sure you like, share and subscribe. मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।